राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह के हालात राजधानी दिल्ली में रहने वाले हैं। तो वहीं घने कोहरे की चादर ने मानो राजधानी दिल्ली की रफ्तार को धीमा कर दिया हो। घना कोहरा राजधानी दिल्ली में छाया हुआ है और दिल्ली कुछ इलाकों की बात करें तो विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर के आसपास आ की गई है। इस वक्त हम मौजूद है कर्तव्य पथ पर, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 26 जनवरी की परेड को लेकर रिहर्सल जो है वो कर्तव्य पथ पर की जा रही है। जवान घने कोहरे में रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही दूरी पर जो है कुछ भी दिखना मुमकिन नहीं हो पाता है, एक सब कुछ ढक जाता है। देख सकते हैं कि 26 जनवरी की परेड को लेकर रिहर्सल जो है वो की जा रही है और कुछ ही दूरी पर घने कोहरे के बीच ये जवान गायब हो जाते हैं, यानी कि दिखना बंद हो जाते हैं। इस कदर यहाँ पर घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है और इसी तरह की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रही है, जहां विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास आ की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि इसी तरह के हालात 2 से 3 दिनों तक रहने वाले हैं। घना कोहरा राजधानी दिल्ली में छाया रहेगा, तापमान में और गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि फिलहाल दिल्ली वासियों को सर्दी से ज्यादा जल्दी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। घने कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी गाड़ी की पार्किंग लाइट जलाकर सफर करने को मजबूर नजर आ रहे हैं। तो साफ है कि राजधानी दिल्ली में घने कोहरे की चादर छाई हुई है, जिसके चलते लोगों को उससे दो चार होना पड़ रहा है। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा है। विजिबिलिटी 50 मीटर के आसपास दिल्ली के इलाकों में आकी गई है और इस घने कोहरे की वजह से करीब 30 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। फ्लाइट यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हवाई यातायात की अगर बात करें तो करीब 30 फ्लाइट जो हैं वो देरी से चल रही हैं, तो वहीं करीब 17 फ्लाइटें जो हैं वो रद्द हुई हैं। तो साफ है कि रेल यातायात के साथ साथ हवाई यातायात पर भी घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। यातायात की बात करें ट्रैफिक की, तो गाड़ी चलाने में भी घने कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल दिल्ली वासियों को जल्द ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कैमरा अमित के साथ विवेक शर्मा, टीवी।